पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स किए थे जेड स्कोर की नुक्ता जो था, वो वीडियो जरूर देख लेना, तभी सब इससे इजी हो जाएगा। याद क्या रखना है, 0 + 1 + 2 + 3 और 0 - 1 - 2 - 3, ये जेड स्कोर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको कंपेयर कर लेना है, दो इंडिविजुअल को, दो स्टूडेंट्स को, दो ग्रुप के, दो क्लास के, दो स्कूल के, है ना, ये बात है। तो इसके यूजेस क्या हैं, नंबर एक ग्रेडिंग हो सकती है। ग्रेडिंग अगर आप साथ में इवेल्युएशन वर्ड लिख रहे हो तो याद क्या रखना है कि हम अगर क्लासिफिकेशन बच्चों की करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हो ग्रेडिंग में बच्चे हाई, बच्चे हाई एबिलिटी वाले बच्चे, है ना, तीन मान लीजिए करना चाहते हो, लो वाले और एवरेज वाले, है ना। तो क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन -1 पर एक कट लग गया और एक +1 पर कट लग गया, और ये कट जो है ग्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं डिवीजन में। इसके अलावा आप ये डिवीजन ज़्यादा भी कर सकते हो, +2 - 2 यहाँ तक भी कर सकते हो, और -3 + 3 यहाँ तक भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू पर्पज़ आपका क्या है वो डिवीज़न हो सकती है। ये हो गई ग्रेडिंग एंड इवेल्युएशन। सेकेंड पॉइंट है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में सिंपल कंपैरिजन है इंडिविजुअल का, कंपैरिजन इंडिविजुअल की स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन विद रेफरेंस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप 9th ग्रेड के CBSE के जो मैथ के स्कोर अपने या किसी अपने स्कूल के बच्चे के कंपेयर करना चाहते हो, और उनका मीन स्कोर आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर है आपका, तो आप रिलेटिव पोजीशन उसकी कंपेयर कर सकते हो। कैसे, परसेंटाइल से। मान लीजिए बच्चा 98% लाता है, जैसे पिछली एग्जाम्पल दी थी, इट मीन्स 98% बच्चों को वो पीछे छोड़ के आया है। जेड स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, यूजीसी नेट में परसेंटाइल स्कोर ही यूज होता है। तो ये रिलेटिव पोजीशन है, ये पीछे भी हो चुके हैं पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसे ही दूसरा पॉइंट साथ में बना लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक चिल्ड्रन। तो वो क्या थे, यहां पर कर्व पे जाएंगे, जो सिंपल, वेरी सिंपल, याद क्या रखना है, माइनस वाले, ये मान लीजिए -2 आया है और -3 आया है ना, तो ये बच्चों को हम वीक कंसीडर करेंगे जो यहां पर लाई करते हैं, है ना। तो ऐसे ही +2 और +3 यहां पर जो लाई कर रहे हैं बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस भी बच्चे का स्टैंडर्ड डेविएशन जहां जेड स्कोर +2 या +3 है, वो पोजीशन बता रहा है कि ये कितना गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, और उसको ट्रीटमेंट, उसकी टीचिंग लर्निंग वैसे होगी, और इनको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करके रिमीडियल टीचिंग होगी। पिछले में भी ये पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वेरी इजी, जो बच्चे का -2 - 3 है ना, इतना आया है, तो नेचुरली है, मान लीजिए जो एक्सट्रीम पर बच्चे आए हैं, ये कितने होंगे, 2% बच्चे हैं 100 में से 2, अगर 50 की क्लास है एक बच्चा होगा, तो इसको इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअल मीन के टीचर उनको इंडिविजुअली टीच करेगा, उनकी प्लानिंग करेगा क्लास के बाद, जैसे तारे ज़मीन पर आमिर खान साहब उनको, ईशान को टीच करते हैं, वो इंडिविजुअलाइज प्लानिंग है। सिर्फ एक टीचर है और एक स्टूडेंट है ना, दो टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अटेंशन ज़्यादा है, प्लानिंग ज़्यादा है, पर्सनलाइज्ड जो है प्रोग्रामिंग, टीचिंग प्रोग्रामिंग, ये भी इसी में आ जाती है, एक टाइप है। डिफरेंशिएटेड टीचिंग है ना, वो भी आ जाती है। कंपैरेटिव स्कूल परफॉर्मेंस, एक स्कूल की परफॉर्मेंस दूसरी स्कूल की परफॉर्मेंस से कंपेयर की जाती है, किसका जेड स्कोर ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही यहाँ पर इसी को यूज़ करके कह सकते हैं, मान लीजिए ये स्कूल ए है और ये स्कूल बी है, है ना, तो ये रिलेटिव पोजीशन वैसे ही बता रही है, जो ये हैं ये आगे चल रहे हैं, तो जेड स्कोर भी जब इनका कंपेयर किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इस जो ए बी स्कूल है उसका जेड स्कोर +2 आ रहा है और इनका -1 आ रहा, मान लीजिए -1 आ रहा है, इट मीन्स ये स्कूल एवरेज से पीछे जा रहा है और ये स्कूल एवरेज से कितना आगे चल रहा है, किसी एक जो है सब्जेक्ट में या टोटल सब्जेक्ट में कोई भी स्कोर आपके पास है उस पर ये कंपैरिजन हो सकता है। नेक्स्ट है
अब समझना मेरे ख्याल में इजी है, क्योंकि 0, 1, 2, 3 ही समझना है। टीचर्स एवेल्युएशन है ना, मान लीजिए एक जो है जो स्टूडेंट टीचर है उनके, वो मैथ को टीच कर रहे हैं, दूसरे भी मैथ को टीच कर रहे हैं, और एक क्लास का जो जेड स्कोर +2 आ रहा है, दूसरे टीचर का +1 आ रहा है, और तीसरे टीचर का 0 आ रहा है। इट मीन्स इनकी परफॉर्मेंस एवरेज जा रही है, ये एवरेज से अबव एवरेज जा रहे हैं, ये अबव एवरेज से हाई जा रहे हैं। तीनों की परफॉर्मेंस साफ कंपेयर की जा सकती है, लेकिन यहाँ लिमिटेशन में बाद में करेंगे। कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं जिनमें हो सकता है कि ये पीछे क्यों गए, शायद बच्चे की इनपुट ही है ना वीक हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वीक, कुछ भी। तो कंटेक्चुअल नॉलेज साथ में चाहिए इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। जेड स्कोर वो नहीं करता, वो लिमिटेशन में आ जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट में ये हेल्पफुल नहीं है। कॉलेज एडमिशन, देखिए स्टैंडर्ड जो अच्छे एंट्रेंस टेस्ट है ना, सैट, स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, मान लीजिए उस पर जेड स्कोर बच्चे का है, किसी कॉलेज ने ये रखा है कि जिन बच्चों का सैट पर +1 से जेड स्कोर आगे है तो उनकी एडमिशन होगी। तो कितना आसान क्राइटेरिया हो गया कि जेड स्कोर हेल्प कर रहा है एडमिशन के लिए। स्कूल प्लस टू खत्म हो चुकी है, उसके बाद होनी है, तो जेड स्कोर साफ बता रहा है कि कौन सा बच्चा है ना। किसी खास टेस्ट में भी हो सकता है, किसी खास स्ट्रीम में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ में बच्चे अच्छे चाहिए किसी स्ट्रीम में, तो मैथ में जेड स्कोर देखा जाएगा उनका +1 या +2, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखना है। नेक्स्ट है रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो सिर्फ आपने वेरिएबल के नाम बताने हैं, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर फिनोमिना है। तो ये साइकोलॉजी रिसर्च में हेल्प करता है जेड स्कोर, जैसे बाकी रिसर्च में है, सिर्फ आपने ये नाम बताने हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग पिछले में एग्जांपल दी थी सोनिया की, सोनिया का एंट्रेंस जब एंट्री हुई थी मान लीजिए है ना, ये तो 2-3 बार मेरे ख्याल डिस्कस हो चुकी है। मान लीजिए एक बच्चा है या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, तो उनकी जो जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो उनका मान लीजिए जो है +1 था जेड स्कोर मैथ्स में, जहाँ ओवरऑल स्कोर जो है एकेडमिक अचीवमेंट पे, तो जब स्कूल के सेशन का एंड हुआ तो उनका +2 हो गया। इट मीन्स इतनी उन्होंने ग्रोथ, उस बच्चे ने ग्रोथ की है। तो ऐसे ग्रोथ चार्ट बच्चे का बन सकता है, जो रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड है उसमें लिखा जा सकता है। स्पेशल एजुकेशन प्लेसमेंट, स्पेशल एजुकेशनल प्लेसमेंट, वोकेशनल प्लेसमेंट दोनों ही पॉसिबल हैं। कैसे कि उसकी परफॉर्मेंस बच्चे की देखी जाएगी। मान लीजिए मैथ में बच्चे 100 में से जो 10 बच्चे हैं उनका प्लस टोटल स्कूल में से मान लीजिए है ना, एक क्लास में नहीं से +2 या इससे अधिक आ रहा है, तो नेचुरली है कि उन बच्चों को मैथ्स की जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जब +2 के बाद मैथ्स वाले स्ट्रीम्स हैं उनको प्रेफर करने के लिए कहा जाएगा, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन इंक्लूजन, आप समझ लीजिए कि जो बच्चे वीक डायग्नोस हुए हैं, यहाँ पर है वीक डायग्नोस हुए, जो कौन से हैं, जो -2 वाले हैं, जेड स्कोर वाले, -3 वाले हैं, -1 वाले हैं है ना, तो इनको जब एक्स्ट्रा हेल्प देते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प जो रिमेडियल टीचिंग भी कह सकते हैं, स्पेशल अटेंशन भी कह सकते हैं, अब इनके ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है। तो इक्विटी क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उन बच्चों को दिया जा रहा है जो पछड़ चुके हैं, पीछे रह चुके हैं, उनको, क्योंकि ये बच्चे इनके साथ एवरेज के साथ मिल जाएं, दैट इज इक्विटी। सो जेड स्कोर वो क्राइटीरिया डिसाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इवेल्युएशन, इसका दूसरा पॉइंट इंटरवेंशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग और लेक्चर मेथड के कंपैरिजन के बारे में जो एग्जांपल दी थी, वही एग्जांपल यहाँ भी दे सकते हो जो एनपीसी में दी थी है ना। एक ग्रुप को कोऑपरेटिव लर्निंग से टीच किया और दूसरे को लेक्चर मेथड से, तो ये प्रोग्राम जो कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रोग्राम था है ना, तो इफेक्टिव कितना रहा, तो वो जेड स्कोर कितने बच्चों ने ज़्यादा गेन किया, और मान लीजिए
यहाँ पर चलते हैं, ये रहा वापस चल के ये मान लीजिए जेड स्कोर जो लेक्चर मेथड वाले हैं वो बच्चे यहाँ लाई कर रहे हैं प्लस वन और ज़ीरो के बीच में, है ना, जहाँ माइनस वन और माइनस प्लस वन के बीच में, और जो कोऑपरेटिव वाले हैं वो लाई कर रहे हैं ज़ीरो और प्लस टू के बीच में। इट मींस रिलेटिवली कोऑपरेटिव लर्निंग की पोजीशन बेटर है, ऐसे कंपैरिजन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट प्रोग्राम इवेल्युएशन, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एनालिसिस, है ना। तो इसमें रेड जो है कि डिफरेंट ईयर का कंपैरिजन किया जा सकता है, डिफरेंट रीजन का, जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात की थी उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, स्टूडेंट पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया जा सकता है, नाइंड जो आर्ट है वर्क है या गेम्स है, किसी भी पर जो रेटिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल नंबर फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ जाता है, तो उनका आप एज ग्रुप का दूसरी एज ग्रुप के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, तो ऐसे कंपैरिजन संभव है। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस बात हो चुकी है, सोनिया की जो एग्जांपल दी थी वही पॉइंट है। रिसर्च इन एजुकेशनल इंटरवेंशन जो कोऑपरेटिव लर्निंग और लेक्चर मेथड की दी थी वही है, लेकिन कुछ प्रोग्राम लार्ज स्केल पर होते हैं जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन कंपेयरिंग आउटकम एक्सपेक्टेड नॉर्मेटिव लेवल, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग तो एक क्लास को टीच की थी ना, तो कुछ हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्रोग्राम जो है स्टेट गवर्नमेंट ने DEO ने किसी ने अप्लाई किया हो, तो ऐसे प्रोग्राम भी जो है उनकी भी इवेल्युएशन हो सकती है। करिकुलम डेवलपमेंट, देखिए सिंपल ये है कि जेड स्कोर हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ये कर लें, जेड स्कोर हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये वीक बच्चों के लिए ये वाला वीक पोर्शन, ये वाला और गुड बच्चे जो हैं हायर बच्चे हैं ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो नेचुरली है इनके लिए करिकुलम डिफरेंट होगा, इनके लिए करिकुलम डिफरेंट होगा। करिकुलम का मतलब सिलेबस नहीं है, करिकुलम का मतलब है एक्टिविटीज, टीचिंग एड, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सब कुछ प्लान करना इनके लिए नेचुरली है डिफरेंट, और स्लो वाले होंगे बच्चे को क्यों समझ नहीं आती, प्लानिंग उसके अनुसार वो करिकुलम है, है ना, जिसको हम अब इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम है। तो करिकुलम बच्चे भी बना सकते हैं, है ना, क्या उन्होंने कब पढ़ना है, एक्टिविटीज को, एक्सपीरियंस को, बेसिकली एक्सपीरियंस को प्लान करना है, इनका एक्सपीरियंस एनरिच होगा, फास्ट होगा, एक्सेलरेटेड होगा, इनको एक्स्ट्रा बुक्स भी, एक्स्ट्रा डिफिकल्टी एक्टिविटी भी दी जाएंगी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, तो इनका प्रॉब्लम जो है करिकुलम इनसे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है ऐसे जेड स्कोर हेल्प कर रहा है इस डिविजन में। नेक्स्ट है आउटलायर आइडेंटिफिकेशन, आउटलायर का मतलब क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, यहाँ पर वापस चलता हूँ, और दूसरा शब्द याद रखना है जब आउटलायर आए क्या है, अब नॉर्मल, यहाँ पर लिखने लगा हूँ अब नॉर्मल डिस्टेंस, है ना, मान लीजिए लास्ट स्कोर किसी भी मैथ्स का है, साइंस का है, इंग्लिश का है, लास्ट स्कोर बच्चे का 145 है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर खाली चल रहा है, कोई स्कोर नहीं है, और फिर किसी बच्चे का स्कोर 161 मान लीजिए आ गया है, तो ये गैप है, ये बच्चा अबनॉर्मल यहाँ लाई कर रहा है, ये कोई एरर है जहाँ इस पर शक किया जा सकता है। रिसर्च में आउटलायर जो है डिलीट कर दिए जाते हैं, इनको डाटा एनालिसिस में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे ही किसी बच्चे का ये 55 लोएस्ट मान लीजिए स्कोर आया था, लेकिन कुछ खाली चल के जैसे ये खाली नहीं है, ये 56, 57, 58 ये वाले हैं इसमें, तो मान लीजिए ये 10-15 किसी का स्कोर नहीं आया और ये 40 फिर बच्चे का स्कोर है, तो ये 55 के बाद 40 स्कोर है, तो ये भी अब नॉर्मल डिस्टेंस पर एक स्कोर लाई कर रहा है, इस केस को भी डिलीट किया जा सकता है रिसर्च में। लेकिन जेड स्कोर लिमिटेशन में क्या आएगा ये नहीं बताता कि वो क्राइटेरिया डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया के लेना है कि इसके बाद जो है वो स्कोर आए तो उसको हमने आउटलायर कहना है, तो जेड स्कोर आउटलायर बताता है, वैसे ही हमें ऐसे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हम लगा लेते हैं, वैसे फार्मूले भी होते हैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिग्रेशन, मेरे ख्याल में
ये वाले यहाँ पर टेक्निकल हैं, दो तीन वर्ड मैं दिखा देता हूँ, ये आपको लिखने की बीएड लेवल पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेशन ये हो सकती है, सिंपलीसिटी एंड एफिकेसी, ये की पॉइंट कैसे नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि जेड स्कोर नहीं समझ आ, मुझे भी नहीं आ रहा था, जब मैंने ये इतना लर्न किया कि जीरो प्लस थ्री सॉरी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इतनी बात है, इनको कंपेयर करना है, एक बच्चे का प्लस टू है और दूसरे का जीरो है, कंपेयर हो गया, अभी ये डाउन है कितना, उसके साथ परसेंटाइल रैंक दिया गया है प्लस टू का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 98 है ना, इसका 84 है मान लीजिए, तो परसेंटाइल रिलेटिव पोजीशन भी आपकी बता रहा है, तो वेरी इजी है ना। कॉमन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज, जो रिसर्चर हैं उनको जेड स्कोर बोलो, स्टैंडर्ड स्कोर बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, एकदम पता चल जाता है उनका कम्युनिकेशन, ये रिसर्च लाइक लैंग्वेज है। तो ये थे पॉजिटिव पॉइंट है ना, ये इसका कंक्लूजन है। इसको याद कैसे करना है ये देख लेते हैं। मेमोरी ट्रिक्स इसके थोड़े डिफरेंट रखे गए हैं कि यूजेज एप्लीकेशन जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये ऐसे आपने एक सीन बनाना है कि मेरी जी एक नॉर्मल बच्चा है, एक ईशान है, ऐसे दो नॉर्मल में आप अपने को रख लीजिए और ईशान को याद रख लीजिए, ईशान ओके। जैसे मेरी कॉलेज में एडमिशन हुई, एडमिशन कैसे हुई, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखी स्कूल की ओके, उसके बाद करिकुलम डेवलप हुआ, करिकुलम जो मेरे अनुसार बना, तो उसके बाद इवेल्युएशन हुई, इवेल्युएशन कई तरह की हुई, जैसे ग्रेडिंग, टीचर की इवेल्युएशन, प्रोग्राम की इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन या असेसमेंट, ये चार पॉइंट इवेल्युएशन से ही जुड़ गए। उसके बाद ये जो सारा प्रोग्राम मेरे जैसे बच्चों के लिए बनाया गया, उस पर रिसर्च हुई, एक तो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट पर और एक इंटरवेंशन जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग पर, तो ये हो गए पॉइंट नॉर्मल बच्चे ने एंटर किया, क्योंकि ये सीरीज है, पहले एडमिशन होती है, एडमिशन का कोई बेस होता है, कंपैरेटिव कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में आप सभी पॉइंट लिख सकते हैं, स्कूल की, क्लास की, डिस्ट्रिक्ट की है ना, यहाँ स्कूल परफॉर्मेंस है, तो करिकुलम डेवलप हुआ, करिकुलम डेवलप के बाद इवेल्युएशन, इवेल्युएशन किसकी, टीचर, प्रोग्राम की, नॉर्म रेफरेंस, और बाद में रिसर्च किसकी, साइकोलॉजी और इंटरवेंशन की, ये पॉइंट पक्के हो गए। उसके बाद सेकंड जो है पार्ट, आप जो है ईशान को रख सकते हो कि ईशान की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो आउटलायर में मिला, ईशान यहाँ लिख लिया, ईशान को लिख के आउटलायर में आइडेंटिफिकेशन हुई है ना, आउटलायर आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी इंडिविजुअलाइज्ड, आमिर खान साहब ने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम उनके लिए बनाया, और कुछ क्लासेस के लिए स्पेशल प्लेसमेंट एजुकेशन में की गई कि ये क्लासेस उसकी स्पेशल क्लास होंगी, तो उसको एक्स्ट्रा हेल्प, इक्विटी एक्स्ट्रा हेल्प दी गई, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एनालिसिस नहीं किया गया। तो ये चार पॉइंट ईशान के साथ मैच कर रहे हैं, और ये हम पहले पॉइंट कर चुके हैं, जी जी जो पहले प्रॉपर्टीज वाले में किए थे, गिफ्टेड है, ग्रोथ है, ग्रोथ मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग स्टूडेंट, ये सेम ही पॉइंट है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टिंग से भी आप जी को जोड़ सकते हैं, पिछले में भी हमने ऐसे किया था, ING से ग्रोथ एंड ग्रेडिंग दो वर्ड जोड़ लिए थे। तो ये थे एप्लीकेशन यूजेज और मेरिट्स जो जेड स्कोर के थे। नेक्स्ट वीडियो में डीमेरिट्स करेंगे, इसके कमियां क्या हैं और मेमोरी स्ट्रेटेजी के साथ, लिंक नीचे दिया गया होगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।